नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। पार्टी के बहाने होता था नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, जांच में हो सकते हैं बड़े खुलासे। कहते हैं वह भोपाल का एक जाना माना पत्रकार है जिसे सरकार ने राज्य स्तर की मान्यता दे रखी है। उसके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे में सरकार चाहे किसी की भी हो मगर उसका रुतबा कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं सियासत के गलियारों में कई ऐसे राज छुपे होते हैं जो बाहर आ जाएं तो सफ़ेद पोशों के दामन पर लगे दाग सबके सामने जाहिर हो जाएं, और जब जब ऐसा होता है तब तब इंसानियत शर्मसार हो जाती है। साथ ही कई ऐसे लोगों के असली चेहरे भी सामने आ जाते हैं जो सत्ता के गलियारों में अपना रसूख बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर चाहे वो कोई अफसर हो, पत्रकार हो। ऐसा ही एक चेहरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेपर्दा हुआ है। वो चेहरा एक ऐसे शख्स का है जिसकी करतूतों ने पत्रकारिता के पेशे को शर्मसार कर दिया है। वो भोपाल का एक जाना माना पत्रकार है जिसे सरकार ने राज्य स्तर की मान्यता दे रखी है। उसके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे में सरकार चाहे किसी की भी रही हो मगर उसका रुतबा कभी कम नहीं हुआ। राजधानी में रहने के लिए उसे सरकार की तरफ से दो दो सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर तमाम मंत्रालयों में वो बेखौफ आता जाता था, सरकारी दफ्तरों में अटके लोगों के काम भी करता था। उस शख्स का नाम है प्यारे मियाँ। उसका पेशा तो पत्रकारिता है लेकिन करतूत घिनौनी है। उसका असली चेहरा कभी लोगों के सामने नहीं आता। अगर शनिवार रविवार की दरमियानी रात पुलिस को नशे में झूमती वो पांच नाबालिग लड़कियां नहीं मिलती जिन्हें पुलिस ने उस रात चाइल्ड लाइन भेजा था। दरअसल गश्त के दौरान पुलिस को वो पांच लड़कियां सड़क पर घूमती हुई मिली थीं। उन्होंने पूछताछ में यौन शोषण के एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिसे जानकर हर कोई हैरान और परेशान है। इस मामले में भोपाल पुलिस ने रविवार की शाम एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया जिसमें लड़कियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि रविवार की अल सुबह 3 बजे रातीबड़ थाना क्षेत्र में पांच नाबालिग लड़कियां पुलिस के गश्ती दल को मिली थीं। वे नशे में चूर थीं, इतना नशा कि लड़कियां कुछ भी बोलने की हालात में नहीं थीं, इसलिए उन्हें चाइल्ड लाइन भेज दिया गया। रविवार को दिन में उन लड़कियों को होश आया। जब वे बात करने की हालात में आईं तो चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। लड़कियों ने बताया कि वे शाहपुरा इलाके के एक फ्लैट में बर्थडे पार्टी मनाने गई थी जहां पर एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया। इस काम को प्यारे मियाँ नामक एक शख्स ने अंजाम दिया। आगे नाबालिग लड़कियों ने बताया कि उन्हें पहले भी कई बार पार्टियों के बहाने उस फ्लैट में बुलाया गया है जहां प्यारे मियाँ ने उनका भी यौन शोषण किया है। पार्टी के बहाने कई बार उनके साथ दुष्कर्म किया गया, बदले में कई बार रुपए भी दिए गए। लड़कियों ने खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरे काम में प्यारे मियाँ का साथ एक स्वीटी विश्वकर्मा नाम की महिला भी देती थी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि आरोपी प्यारे मियाँ भोपाल का स्थानीय पत्रकार है। पुलिस ने लड़कियों के बयान के आधार पर रातीबड़ थाने में प्यारे मियाँ और उसकी सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 366A, 376(2), 120B और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद आरोपी स्वीटी शर्मा को हिरासत में भी ले लिया गया है जबकि आरोपी प्यारे मियाँ फरार हो गया है, उसकी तलाश भी की जा रही है। भोपाल के DIG इरशाद वली ने आरोपी प्यारे मियाँ पर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामला संज्ञान में आते ही प्यारे मियाँ को आवंटित दोनों सरकारी आवास खाली कराने और उसकी मान्यता निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले के तार कई लोगों से जुड़े हैं जो लड़कियों के यौन शोषण में शामिल हैं। पुलिस की टीम लड़कियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही महिला से भी लगातार पूछताछ की जा रही है जो प्यारे मियाँ नामक आरोपी की सहयोगी है। बताया जा रहा है कि लड़कियों को काम दिलाने के बहाने बहला फुसला कर स्वीटी ही लाती थी।
पुलिस इस बात की छानबीन भी कर रही है कि उन पार्टियों में कौन कौन आता था, लड़कियों को और कहां कहां भेजा जाता था। इस मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जल्द ही जताई जा रही है। इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार।